हमारा लेसन वन कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेसन नंबर टू, जिसका नाम है मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे और सन 2015 में उनकी मृत्यु हो गई थी। शिलोंग में एक अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वो हमारे बीच नहीं रहे थे। उनके बारे में ये लेसन है। मिसाइल मैन कहलाए जाने वाले वैज्ञानिक राष्ट्रपति को आज कौन नहीं जानता। वे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल की दुनिया में नई क्रांति लाकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। वे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्हें भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया था, परंतु प्रस्तुत पाठ उन्हीं के विषय में जानकारी दे रहा है। इनका कहने का मतलब ये है, मिसाइल मैन कहे जाने वाले वैज्ञानिक राष्ट्रपति को आज कौन नहीं जानता। वह एक महान वैज्ञानिक थे और पूरी दुनिया में एक नई क्रांति लाकर उन्होंने सफलता के भी झंडे गाड़ दिए थे। उन्होंने भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया था। प्रस्तुत पाठ, इस पाठ में उन्हीं के विषय में जानकारी दी जा रही है। ये लेसन रीड करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक विख्यात भारतीय वैज्ञानिक और स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वो क्या थे? एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति थे। देश के महत्वपूर्ण संगठनों में कलाम ने महत्वपूर्ण योगदान देकर कार्य किया था। इनमें से DRDO तथा इमरो उल्लेखनीय है। इन्होंने दो संगठनों में, देश के कई महत्वपूर्ण संगठनों में काम किया। इनमें से DRDO तथा इमरो उसमें से प्रमुख है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ जुड़ने के कारण इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अंतरिक्ष के काम करने के कारण और मिसाइल विक्रम कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के कारण इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम था अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और एक मुसलमान परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माता अशी अम्मा एक सफल गृहिणी थी। उनके पिता को आर्थिक सहायता देने के लिए वे विद्यालय से आने के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने पिता की मदद करने के लिए वो जब स्कूल से वापस आते थे तो वो समाचारों का वितरण करते थे, उन्हें बांटते थे। यद्यपि ये पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु सीखने की लगन रखते थे। ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे, परंतु उनमें सीखने की एक लगन थी। मैट्रिक के बाद इन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में कॉलेज से स्नातक की डिग्री भौतिक विज्ञान में प्राप्त की थी। इन्होंने भौतिक विज्ञान में जो थी कॉलेज की डिग्री प्राप्त की थी। तत्पश्चात चेन्नई जाकर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। चेन्नई से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और सन 1960 में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा को पूरा किया और 1960 में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा को पूरा किया। कलाम ने एक अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य किया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में कहाँ कार्य किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय सैन्य के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। कलाम को प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का भी अवसर मिला था। 1969 में उनका स्थानांतरण तबादला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो में है हुआ। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 में स्थापित किया गया था। और जो भारत का प्रथम उपग्रह था रोहिणी में पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 में स्थापित किया गया था। राजा रमन्ना ने उन्हें पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था, क्योंकि यह परीक्षण उनकी देख रेख में ही किया गया था। राजा रमन्ना ने उन्हें पोखरण में एक परमाणु परीक्षण के लिए बुलाया था, क्योंकि ये कार्यभार वही संभाल रहे थे।
70 और 80 के दशक में वे अपनी सफलताओं में इतने प्रसिद्ध हुए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ परियोजनाओं में कार्य करने की अनुमति उन्हें दे दी। उन्होंने मतलब कि अपने मेंबर से भी डिस्कस नहीं किया भी उन्हें काम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनकी डिस्कशंस किए बिना ही उन्होंने कुछ परियोजनाओं में कार्य करने की अनुमति दे दी। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें कलाम के योगदान के साथ हमारे सामने आई। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव रहे। 1992, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1992 से लेकर 1999 उनके कार्यकाल का वर्णन करो कि उन्होंने क्या किया, क्या थे वो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे और DRDO के सचिव भी रहे। तभी भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। उनकी उपलब्धियों और सफलताओं के कारण 2002 में NDA सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से हराकर, मतलब कि NDA सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने जो उनके उम्मीदवार उनके साथ खड़ा था उसको, कौन थे वो, लक्ष्मी सहगल, उनको भारी मतों से हराया और 25 जुलाई 2002 को वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले ही उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिल चुकी थी और राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी मिल चुकी थी। उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। यहाँ से सेवा मुक्त होकर वे शिक्षण मार्गदर्शन एवं शोध कार्यों में लग गए थे, शिक्षा के कार्य में लग गए थे और मार्गदर्शन देने के कार्यों में लग गए थे। कलाम हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहे। उन्होंने ही व्हाट कैन आई गिव की शुरुआत की। उन्हें 2 बार 2003 सन 2004 में यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। शिक्षण के अलावा कलाम ने अनेक पुस्तकें भी लिखी। इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, उनकी ये बुक्स थी, कुछ के नाम हमारे पास है। इसके अलावा भी उन्होंने कई किताबों को लिखा। भारत ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी अलंकृत किया था। 27 जुलाई 2015 को ये भारत का मिसाइल मैन शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और यह हमेशा के लिए चला गया। आज के कलाम हमारे बीच नहीं है पर उनका नाम और विज्ञान क्षेत्र में योगदान हमें सर्वदा याद रहेगा। धन्य थे वे मिसाइल मैन कलाम। ये था हमारा आज का लेसन। इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप वहाँ से राइट करेंगे और प्लस लर्न करेंगे। ये लेसन आप रीड करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।